दम वाला पानी पी लिया? हाँ मम्मी पी लिया। अच्छा वो हिसार वाला ताबीज पहन लिया? आप ही ने तो बांधा था। हाँ। ओए मैं मर गई। क्या हो गया अम्मी? हाँ, वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ये ठीक नहीं होता बेटा। हाँ। सलीमा, अरे बिल्लियां तो यूं ही फिरती रहती हैं। अरे अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? नहीं अम्मी, क्या हो गया, वैसी देर हो रही है, पहला दिन है। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। अम्मी आपने हिफाजत का तावीज भी तो बांधा है, कहाँ है? हाँ ठीक है जाओ। अरे बेटा वहम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मालिक है। सलीमा अगर तुम्हें कुछ टेंशन हो रही है तो बैठो साथ चलो। हाँ। नहीं मैं क्यों जाऊँ, ये हिसार वाला तावीज है ना, मुझे तो जरूरत नहीं, आप दोनों जाएं। दुआ करिए। जाओ मेरा बच्चा। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। आपका चश्मा, ये शुक्रिया, गलती से ठोकर लग गई मुझे। वैसे तो बचपन से ही ठोकरे खाता आ रहा हूँ। मैं एनीवे आपका तारुक। मैं उजाला। गुड फॉर यू, मेरी जिंदगी में तो इतने अंधेरे हैं कि हर उजाला उसमें गुम हो गया। I'm so sorry. आपको कहीं छोड़ दूं अगर आप चाहें तो? भला कौन चाहेगा कि उसको छोड़ दिया जाए। वो क्या खूब कहा है परवीन चाकिर ने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। मैं समझी नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। वो मुझे ये यहाँ पे एडमिन ब्लॉक तक जाना है, क्या वहां तक छोड़ सकती हैं? ये यकीन करें मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं एहसान की क्या बात है, पहला दिन है यूनिवर्सिटी का और नेकी करने का मौका मिल गया। आप मेरा हाथ। नहीं नहीं हाथ ना पकड़िए मेरा, लड़कियों का हाथ पकड़ना बहुत मायूब समझता हूँ मैं, मुझसे नहीं होगा ये। तो ये आप ये पकड़ लीजिए। ये क्या फूल? नहीं दुपट्टा है मेरा। अच्छा आपका दुपट्टा है। जी जी आइए आइए चलिए। इस तरफ, इस तरफ। किस तरफ? इधर इधर। किस तरफ? हाँ यू। ओ सॉरी। कोई बात नहीं, नेक कामों में तकलीफें तो आती हैं। यकीन नहीं आता आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी। ये हैंडसम है, खुश शक्ल है, ये अच्छे इंसान नजर आते हैं, लेकिन जिंदगी में इतनी बड़ी कमी, अल्लाह भी चाहे तो क्या क्या कर देता है। ध्यान से सीढ़ी है। ठोकर कोई बात नहीं। सब हंस क्यों रहे हैं? या तो बहुत खुश इखलाक है या तो पागल। हंसने की क्या बात है?
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे भैया, आपको बाबे से शादी करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें की शर्म आएगी? शट अप क्यों? इनको तो अपना आइडियल मिल गया। हाउ लकी शी इज। बस यार, बहुत मजाक हो गया। मजाक? आप बेहूदगी को मजाक कह रही हैं? चीप को मासूम समझ के इसकी मदद करने की कोशिश की थी और इससे क्या? चीट? मैं चीट? मजबूर? क्या कह रही हो? क्या आवाज नहीं आ रही? ऊंचा बोलो। एक लड़की की बेइज्जती करके उसका तमाशा बनाकर बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें। मैं मजाक भी करती हूँ और मजाक को समझती भी हूँ, लेकिन मजाक और तजलील में फर्क होता है। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें किसी की बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है। एक चीज और, आइंदा किसी मजबूर की नकल करके किसी से मदद मत लेना। लोगों का नेकी पर से एतबार उठ जाएगा। सुनो, रोना ना शुरू कर देना। मरियम बेटा, बस भी कर दो, धूप निकल आई है। तुम भी अपने अब्बू की तरह ना पौधों के नाज नखरे उठाती रहती। अम्मी, इन पौधों में जान है मेरी। वो तो इनका ख्याल औलाद की तरह रखते थे। तो बस आप यही समझ लेना कि अब्बू की ये आदत मुझ में आ गई है। अरे बेटा, बाल तो बांध लेने थे। अब अम्मी प्लीज, मामी जान की तरह ये मत बोलिएगा कि खुले बालों पर जिन आशिक हो जाते हैं। बहरहाल, ऐसी चीजों का वजूद तो है, एहतियात भी करनी चाहिए। मगर साथ में आप ये भी तो कहती हैं ना कि कुरान की आयतें पढ़ लो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह पे यकीन हो ना तो सच में कुछ नहीं होता। वैसे कल अशर भाई का फोन आया था रात को, वो आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन आप सो रही थी। अमेरिका में क्या टाइम हुआ होगा, एक दिन भी उससे बात ना हो तो दिल उदास हो जाता। खैर, मैं करती हूँ उससे बात। हाँ, याद आया, आज तो रजा का भी इंटरव्यू है। जी अम्मी, और वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। इतना ज़हीन बच्चा है, पता नहीं उसकी नौकरी का मसला क्यों बना। खैर, अल्लाह कामयाब करे उसे। आमीन अम्मी। उसने जो कुछ भी किया वो वाकई बहुत बुरा था, लेकिन प्लीज तुम अपना दिल बुरा मत करो और रोना तो बंद करो यार। हाय, आई एम दुआ, योर सीनियर। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। ओके, यकीन मानो वहाँ शरारती जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। सामने तो इंसान आता है ना, दिल थोड़ी। मैं यहाँ फहद की वकील बनकर नहीं आई हूँ। इनफैक्ट वो यूनिवर्सिटी का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो दिल का बुरा नहीं है, उसे अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतना हर्ट हो जाओगी। वाकई में इंसान को कुछ बातों के अंदाजे नहीं होते, और फहद ने तो मेरे सारे अंदाजे गलत कर दिए। ऐसा नहीं है, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो तुमसे खुद आकर माफी मांगेगा। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं उसकी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते, हम सबको यहाँ मिलकर टाइम स्पेंड करना है और दिलों में शिकवे नहीं होने चाहिए। फहद तुमसे खुद आकर माफी मांगेगा और हम सब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और अब अपना दिल नरम करो। ओके, गुड। चलो,
तुम्हें कैंटीन से अच्छी सी चाय और समोसे खिला दूं। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे क्यों दिल नहीं चाह रहा, इसी बहाने तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो उठो, चलो चलो चलो, अच्छा मुझे सामान तो लेने। हाँ हाँ, समोसे बहुत मजे के वैसे, कहते खा के देखते। हाँ चलो।